हेलो कॉन्ट्रो फैमिली, नमस्ते एंड सत श्री अकाल एंड गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं प्यूडीपाई के बारे में। आप सभी को पता ही होगा कि प्यूडीपाई कौन है। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस जो है आप लोग ने देख लिए होंगे जहां पे बहुत सारे लोग जो है प्यूडीपाई को सपोर्ट करते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टी सीरीज को भी सपोर्ट करते हैं। एंड इनिशियली स्टार्टिंग में मैं भी टी सीरीज को सपोर्ट करता था, बट अब मैं टी सीरीज को सपोर्ट नहीं करके मैं प्यूडीपाई को सपोर्ट करता हूँ अपनी तरफ से। चलिए, लेकिन बात हम अलग चीज के बारे में कर रहे हैं आज, क्योंकि हमारे जो चैनल है वो बेस्ड है गेमिंग कम्युनिटी के ऊपर, तो हम लोग उसी को लेके कुछ बातें करेंगे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता ही है, प्यूडीपाई जो है वर्ल्ड का नंबर वन यूट्यूबर है, ठीक है। एंड उसको अभी तक तो कोई नंबर दो पे नहीं धकेल पाया। एंड जब जब सब गैप जो है टी सीरीज और प्यूडीपाई के बीच में होता है, वो हमेशा ज्यादातर कोई ना कोई आके उसको या तो हेल्प कर देता है या तो फिर वो स्ट्रीम करता है गेम प्ले का। एंड कल जो है प्यूडीपाई ने अपनी लाइव स्ट्रीम करी थी पबजी मोबाइल की, एंड बिलीव मी गाइस, वहां से जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि गेमिंग जो सेंस होता है, जो गेमिंग कम्युनिटी होती है, गेमिंग कम्युनिटी का जो सेंस होता है, जो एक्चुअल स्ट्रीमर होते हैं, जो एक्चुअल गेमर होते हैं, वो एक गेम को कैसे देखते हैं। अब आप सभी को पता ही है इंडिया में जो है पबजी मोबाइल फेमस है जस्ट बिकॉज ऑफ इम्युलेटर। यहाँ पे जितने भी स्ट्रीमर्स है, जो फेमस स्ट्रीमर है, ज़्यादातर आप इम्युलेटर वाले को फॉलो करते हो, बिकॉज उन लोग बोलते हैं कि हमें क्वालिटी मिलती है एंड हमें टाइम मिल जाता है, हम सब कुछ कर पाते हैं लाइक पीसी पे खेल के, इम्युलेटर पे खेल के, इसके लिए हम लोग इम्युलेटर यूज करते हैं। गाइस, एक एग्जांपल प्यूडीपाई ने सेटअप किया है हम सभी के लिए। इतना बड़ा यूट्यूबर है, दुनिया का नंबर एक यूट्यूबर है, एंड जब कल उसे पबजी मोबाइल स्ट्रीम करनी पड़ी, उसने वो पूरी गेम प्ले, पूरी लाइव स्ट्रीम उसने स्ट्रीम करी हुई है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे। अगर वो चाहता तो वो भी इम्युलेटर पे स्ट्रीम कर सकता था। अगर वो बोलता कि भाई मुझे क्वालिटी की इश्यू आ रही है, मुझे साउंड की इश्यू आ रही है, तो वो भी आराम से जो है इम्युलेटर को यूज कर सकता था। बट देखो, यहीं पे हमारी मेंटालिटी एंड यहीं पे हमारी सोच और गेमिंग कम्युनिटी की सोच जो है चेंज हो जाती है। उन लोग का मानना होता है कि जो गेम मोबाइल के लिए है उसे हम मोबाइल पे खेलते हैं, एंड जो गेम पीसी के लिए है उसे हम पीसी पे खेलते हैं। अगर आपने प्यूडीपाई को फॉलो किया है, आपको पता होगा प्यूडीपाई हर एक टाइप के गेम खेलता है। वो पबजी पीसी भी खेल चुका है, फोर्टनाइट भी उसने ट्राई कर चुका है, एंड वो बीच बीच में कभी न कभी वो लाइव स्ट्रीम करते रहता है ये सब चीज़ों का। एंड स्टोरी मोड्स उसने बहुत सारे खेले हुए हैं। सो जस्ट इमेजिन यार, ये सेंस देख रहे हो उन सब का कि वो लोग कितना सेंसिबल है एक चीज को लेके, भाई कि कौन सी गेम है, कौन से प्लेटफॉर्म के लिए बनी है, हम उस गेम को उसी प्लेटफॉर्म पर खेलेंगे, ठीक है। अब लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसा वैसा, इंडियन ये सब जो इम्युलेटर वाली जो चीज़ है ना, वो सिर्फ इंडिया के लिए है। मैं यही चाहता हूँ गाइस, जो सेंस, जो सोच फॉरेन यूट्यूबर्स की है, फॉरेन स्ट्रीमर्स की है, जो गेमिंग सेंस या फिर जो गेमिंग कम्युनिटी है जो फॉरेन लोग देखते हैं, वैसा हम लोग यहाँ पे खुद अपना क्यों नहीं बना सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग गाइस, कि अगर आप मोबाइल की गेम को आप मोबाइल पे खेलोगे एंड पीसी के गेम को आप पीसी पे खेलोगे, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अगर आप मोबाइल के गेम को आप पीसी में खेल रहे हो, तो फिर आप कौन से हिसाब से खेल रहे हो यार, आप कौन से हिसाब से आप सेंस लगा रहे हो, एंड कौन से हिसाब से आप इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को किसी भी तरीके से हेल्प कर रहे हो। आप एक सही नहीं बल्कि एक गलत दिशा दिखा रहे लोगों को कि भाई आप इम्युलेटर पे आ जाओ, इम्युलेटर पे आओगे तो फिर आपको व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स दोनों मिल जाएंगे। अगर सिर्फ व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स ही काउंट करना रहता तो फिर प्यूडीपाई भी कर सकता था यार। फॉरेन के कितने सारे स्ट्रीमर्स हैं जिसको आप जानते हो जो बहुत फेमस है इम्युलेटर को लेके, इंडिया को छोड़ के। आप फॉरेन के कितने भी प्लेयर्स ले लो, सब आपको मोबाइल वाले मिलेंगे। कॉफिन हो गया, रोलेक्स हो गया, 7WG वर्ल्ड हो गया, बहुत सारे नेम्स है, बस नाम अभी याद नहीं आ रहा, बट बहुत सारे हैं ऐसे जिनको हम जानते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं। अथीना हो गया, जिनको हम फॉलो करते हैं, एंड वो सब के सब जो है मोबाइल की गेम मोबाइल पे खेलते हैं। मैं बस यही चाहता हूँ इसकी, ये जो गेमिंग सेंस है वो हमारी कम्युनिटी में आना चाहिए, एंड कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए जो दिमाग में भरे, हम सभी के दिमाग में भरे कि भाई जिस जो फोन जो मतलब जो गेम जिस प्लेटफॉर्म के लिए लॉन्च हुआ है उस प्लेटफॉर्म पे खेलो ना। क्यों आप उसमें उंगली करके, आप अपनी पर्सनल फायदा के लिए आप उसमें उंगली कर रहे हो। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया यार, दुनिया का नंबर एक यूट्यूबर है वो प्यूडीपाई,
एंड उसने पबजी मोबाइल मोबाइल पे खेली हुई है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हमें सिर्फ बोलते व्यूज 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 की। मैं आपको अभी एक क्लिप दिखाता हूँ, आप क्लिप देख लो। उसके व्यूज 55,000 आ रहे थे, 48 से 55,000 उसके फ्लक्चुएट हो रहा था व्यूज उसका, ठीक है। एंड उसकी आप चैट देखना, चैट उसकी आप पढ़ तक नहीं पाओगे, इतनी फास्ट उसकी चैट जा रही थी, जबकि उसने स्लो मोड ऑन करके रखा हुआ था। यहाँ पे लोगों को 1,50,000 नहीं, यहाँ पे 1,000 या फिर 100 व्यूज अगर किसी को मिल रहे हैं या फिर 1,00,000 व्यूज किसी को मिल रहे हैं, अगर आप उनके चैट देखोगे, उनका स्लो मोड भी ऑन नहीं रहता, फिर भी उनका आप चैट पढ़ पाओगे। सब्सक्राइबर हमारी भी गलती है कि हम गलत चीजों को सपोर्ट करते हैं एंड हम सही चीजों को सपोर्ट नहीं करते हैं। इंडिया में बहुत सारे अच्छे स्ट्रीमर्स हैं यार, बहुत सारे स्ट्रीमर्स हैं, पीसी स्ट्रीमर्स हैं, जो कि जेन्युइनली अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, एंड वो लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं बिकॉज उनको व्यूज नहीं मिलता है। बहुत सारे हैं, एंड बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो अभी ट्विच की तरफ सोच रहे हैं कि चलो हम ट्विच की तरफ जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे तो हमारा कुछ होना नहीं है। इंडिया में तो हमें कुछ होना नहीं है, यहाँ पे गेमिंग सेंस किसी को है ही नहीं, एंड हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे स्ट्रीमर्स हैं जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं गाइस। आप समझो ना यार, आप एक इन्वर्टर वाले स्ट्रीमर को आप 5,000, 6,000, 7,000, 10,000, 20,000 व्यूज दे रहे हो, आप एक पीसी स्ट्रीमर जो बेचारा इतना मेहनत करता है, एक मोबाइल स्ट्रीमर जो इतना मेहनत करता है, आपको पता है मोबाइल में स्ट्रीम करना कितना डिफिकल्ट होता है? मोबाइल पे खेल के स्ट्रीम करना बहुत डिफिकल्ट है। मोबाइल आपका फोन हीट होता है, फिर भी आप 3-3 घंटा, 4-4 घंटा लाइव स्ट्रीम करते हो। एंड इमेजिन यार कि आपको किसको आपको हेल्प करना चाहिए, किसको आपको व्यूज देना चाहिए, वो आपको सोच होना चाहिए। आप सिर्फ इतना बोलोगे कि मुझे एंटरटेनमेंट मिल रहा है, तो फिर आप किसी और को भी देख लो ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं बोल के बोल सकता हूँ कि आपको वहां पे एंटरटेनमेंट मिलेगी, लेकिन क्या आप वो जाके देखोगे? नहीं देखोगे ना। अगर आपको सीरियसली गाइस, अगर हम सभी को इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को आगे लेके जाना है, तो एक प्यूडीफाई की एक एग्जाम्पल मैंने दी है, आप उस एग्जाम्पल को फॉलो कर लो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार हर एक लाइव स्ट्रीमर को, जितने भी हैं, कि जो प्लेटफॉर्म के लिए जो गेम बनी है, आप उस प्लेटफॉर्म पर उस गेम को खेलो एंड सही दिशा दिखाओ हमारे इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के लिए, एंड सही बंदों को फॉलो करो यार। जस्ट एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बस, और कुछ भी नहीं है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस, एज ऑलवेज, पीस आउट।